हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं स्टूडियो मास्टर XR40 सीरीज प्रोफेशनल डुअल UHF माइक्रोफोन कैसा होता है। ये हम इसे 1.5 साल से यूज़ कर रहे हैं, आपका इसका आज हम रिव्यू देने वाले हैं और कैसा परफॉर्मेंस करता है, कितना प्राइस है इसका, क्या क्या आपको मिलता है इसके साथ में, आज सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, सामने में XR40 माइक रखा हुआ है। इसका अभी हम अनबॉक्सिंग कर देते हैं, यानी कि आपको अभी दिखा रहे हैं अंदर में क्या क्या रहता है। ठीक है, सबसे ऊपर में एक ठो फोम मिल जाता है, ये दूसरा टाइप का फोम होता है, देख सकते हैं आप। और ये अभी आपको दिखा रहे हैं कितना मोटा फोम है ये वाला, ये टूटने वाला फोम नहीं है दोस्तों, दूसरा फोम है। और देख सकते हैं ये आपका ऊपर में रहता है, आपका माइक का सुरक्षा करता है। और देखिए रिसीवर है या माइक का, XR40 जो माइक है इसका, देखिए सामने में, सामने का भी दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्टूडियो मास्टर XR40 रिसीवर लिखा हुआ है, और चैनल वॉल्यूम ए वॉल्यूम बी और पावर स्विच भी दे सकते हैं। और पीछे का आपको दिखाते हैं, दो ठो एरियल एंटीना मिल जाता है आपको, ये फिक्स रहता है, आपको बढ़ाने वाला नहीं है, जो रहता है किसी माइक में देखे होंगे बढ़ाते हैं खींच कर ऊपर में, वो बढ़ाने वाला नहीं है। और देखिए जो 3 पिन वाला है, इससे आप सिंगल आउटपुट लेने के लिए है चैनल का, और जो पतला वाला पिन है उससे आप दोनों चैनल का सिंगल निकाल सकते हैं। और बगल में आपका पावर सप्लाई देने के लिए एक ठो दिया हुआ है, सामने देख सकते हैं 2 वॉल्यूम एक पावर बटन, और इधर इसका एक बड़ा सा डिस्प्ले रहता है, वो जलता है डिस्प्ले जब पावर दीजिएगा तो। और देख सकते हैं पीछे का भी आपको दिखा दिए, अब आपको माइक दिखाते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दीजिएगा। देख सकते हैं स्टूडियो मास्टर XR40 इसमें भी लिखा हुआ है, और एक ठो आपको बटन मिल जाता है माइक ऑन ऑफ करने के लिए, उसके ऊपर भी एक डिस्प्ले रहता है इसमें भी। और इसमें अच्छा लगा मेरे को पेंसिल बैटरी है, पेंसिल बैटरी है आपको कहीं भी मिल जाता है मार्केट में, 2 पेंसिल बैटरी लगता है इसमें। और इसका रेंज भी काफ़ी अच्छा है, प्रोग्राम में बहुत अच्छा चलता है अभी। और दूसरा माइक भी आपको दिखा देते हैं, उसे भी इसमें भी देखिए एक ठो स्विच दिया हुआ है ऊपर में, और पेंसिल बैटरी इसमें भी लगता है सेम टू सेम जैसे वो था उसी प्रकार से भी है। तो माइक देख लें दोस्तों, और जाली का क्वालिटी भी अच्छा है ऊपर में, माइक के अंदर में आपका डस्ट नहीं जाएगा जाली के अंदर से। और इसका चार्जर देख सकते हैं दोस्तों, और इसका चार्जर पे भी स्टूडियो मास्टर का लोगो दिया हुआ है, देख सकते हैं सामने, देख सकते हैं दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर में। और अब चार्जर भी अच्छा है, और इसका एक सिरिंज कोड भी मिलता है, देख सकते हैं। और बॉक्स देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ रहता है, दोनों साइड माइक रखने के लिए और रिसीवर रखने के लिए, चार्जर रखने के लिए, बैटरी रखने के लिए अलग अलग बनाया हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये माइक का प्राइस 6000 से 6500 के आसपास में आपको मिल जाएगा मार्केट में, अभी क्या रेट है, और कहीं पे प्राइस ज़्यादा भी और कम भी हो सकता है, तो आपके मार्केट पे डिपेंड करता है। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।